CAG have gone to the press and said what they wanted to say. If they want to create precedence, they should realize that what they are doing. पहली बात मैं यहाँ को कह देता हूँ, एजी और सीएजी में फर्क होता है, आप कंफ्यूज करते हैं। मुसीबत आजकल मीडिया की यह है कि आप लोग इस पे रिसर्च नहीं करते और ब्रेकिंग न्यूज में हर कुछ ठोक देते हैं। बात यह है, सुन लीजिए, एजी की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है, ओके, जो कि सीएजी के अंतर्गत काम करता है। मेरी पहली बात तो यह है कि सीएजी इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इट इज ओनली एन ऑडिट पार्टी, एन ऑडिट एजेंसी। एन ऑडिट एजेंसी कैन रेज ऑब्जेक्शंस टू विच द स्टेट मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू ऑल दीज ऑब्जेक्शंस एंड विद दोज ऑब्जेक्शंस विद देयर कमेंट्स इट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एंड देन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विच इज हेडेड बाई दी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी गोज इन टू ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट एंड इट इज देन गोज टू द पीपल। नाउ इट इज द पीपल इन अ डेमोक्रेसी, इट इज द पीपल हु डिसाइड वॉट इज रॉन्ग वॉट इज नॉट रॉन्ग, नॉट सीएजी। सर, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली आज 11 बजे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे, तो सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली साहब, ये भी एक बड़े चौंकाने वाली बात है कि माननीय विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी भोपाल में जाके बयान देती हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के साथ वाद विवाद करने तैयार हूं कोल के विषय पर। माननीय विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट की डिबेट पसंद नहीं है, पार्लियामेंट में वो भाग नहीं लेना चाहती हैं और दिग्विजय सिंह को उन्होंने इज्जत बख्शी है, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, मैं आपसे विवाद करने तैयार हूं, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी पार्टी ने आपको अवसर दिया है, विपक्ष की नेता है, आप सरकार को घेरिए, लोकसभा में घेरिए, लेकिन अगर वो लोकसभा से हटकर उससे बात करना चाहती है तो हो जाए। आपने कहा कि हर बात आगे की सही हो जाती है, आपने कहा तो जिस तरह विभाग राय की बात करते हैं, क्या आपको भाई मैंने कहा ना आपसे, मैंने ये कहा है कि टीएन चतुर्वेदी जी का इतिहास देख लीजिए, उन्होंने बोफर्स की रिपोर्ट लाई, बोफर्स की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने हंगामा किया और हंगामा करके लोकसभा नहीं चलने दी, जेपीसी बनवाई, जेपीसी बनने के बाद जेपीसी में भाग नहीं लिया। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि हर चीज को हवा में उछाल दो, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, करे करे, मैं हमसे अनुरोध करता हूँ, धरना किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उसका एक अंग है, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन धरना करने के बजाय, लोगों को मूर्ख बनाने के बजाय ये पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं करती, क्यों नहीं इस बात को बताती है कि उनके मिस्टर रेड्डी ब्रदर्स के साथ क्या संबंध है, क्यों नहीं बताती है कि गडकरी जी और अजय संचेती के क्या संबंध है। सर, क्या लगता नहीं है कि मिड टर्म पोल की उसमें वो ऐसा है, बीजेपी सही पूछिए तो खुद बटी हुई है कि पार्लियामेंट में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कई उनके सीनियर लीडर्स हमारे संपर्क करते, भाई समझाओ क्या, हमारे लीडर्स को समझाओ, हमने कहा हम क्या समझाए लीडर्स को, आप ही को समझाइए। सर, कल दो बिल पास हो गए तो क्या सर ये ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, इस देश के जनता की भलाई के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था को इस तरह से ब्लैकमेल करना उचित नहीं है, और सरकार अपने जितने भी उसको कानून पास करना है, नियम लगाने हैं, पास करने हैं, जो भी पब्लिक इश्यूज हैं उनको संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में पास करने की हर चेष्टा करना चाहिए, वो मान जाए तो ठीक है, ना मान जाए तो ठीक है। तो सीएजी के बारे में आप सरकार से इस बारे में बात करेंगे जी? मैंने तो अपनी बात कह दी, अब सीएजी जाने, सरकार जाने। धरना और हो रहा है पार्लियामेंट में, मुलायम सिंह जो है वो विरोध कर रहे हैं तमाम, उनको अधिकार है, उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, वो चाहते हैं डिबेट करना, ये तो चाहते हैं कि डिबेट होना चाहिए, हम भी चाहते हैं डिबेट करना। ऐसा है, अब हम तो ऐसा है, मुलायम सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि डिबेट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनविटेशन भेजा कि हमारी मीटिंग में आ जाइए, जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया, अब उन्होंने कहा भी डिबेट कर दिए, तो अब मुलायम सिंह जी को जब इन्विटेशन भेज सकते हैं, उनका इतना मान, आदर सम्मान करते हैं,
उनकी बात ही मान लेना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। कोई पार्लियामेंट विरोध नहीं है उनका, वो तो जांच चाह रहे हैं, तो जांच तो हम लोग पहले दे दी है सीबीआई को, कौन सी नई बात है। होती रही है ना, ऐसे वो तो होती रहे कि हाँ का ना बोलो, होती रहे ना। आपने कहा तो कुछ लगता है कि क्या तीसरे मोर्चे भी कोई संभावना देखते जब मुलायम सिंह और ऐसा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मेरी हर बात की घोषणा को माना है कि वो सही निकलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।